मैं जो प्रश्न उठाया है, जिस पर मैं बात करने जा रहा हूँ, बहुत ही गंभीर मामला है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास से जुड़ा होता है, और जो पैटर्न हमारे यहाँ पहले चल रहा था, उसने इस देश को बहुत बड़े शिक्षाविद, एडवोकेट्स, साइंटिस्ट दिए हैं। लेकिन नई शिक्षा पद्धति में, और ख़ास तौर से जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनमें, जो सिस्टम चालू किया है, उसने सारी पुरानी व्यवस्था को, और जो एक्सप्रेस करने की क्षमता होती है अभ्यर्थी की या स्टूडेंट की, उसको ख़त्म कर दिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, ये जो नकल और कॉपीइंग या ये सब होती है, अब पेपर लीक होता है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 15 मिनट में 100 सवालों का टिक मार्क करा के दे दिए उत्तर, लीक हो गया। आप जब पढ़ते थे तो कम से कम 200-250 शब्दों में किसी सवाल का जवाब देना होता था, उससे ज़्यादा भी। उसमें पूरा एक एक्सप्रेशन की क्षमता डेवलप होती थी अभ्यर्थियों में, स्टूडेंट्स में, और शिक्षा पद्धति में। वो सब खत्म हो गई। IAS सेलेक्ट हो जाता लड़का आके, सेक्रेटरी कहता है words sir, nothing will go on record and I listen to everything and I go through every subject of it. Sorry sir, don't cast aspersions on me that way. You are saying I am not listening. I am so glad sir, aap meri taraf dekhte ho, par meri samasya hai ki main har baar aapki taraf nahi dekh sakta. Jab aap bologe tab aapki taraf dekhunga sir. प्लीज कॉपरेट विद यू। हमारा टाइम तो प्रोफेसर राम गोपाल यादव विद हिज ऑल एक्सपीरियंस इज रेजिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, प्लीज लेंड योर ईयर्स टू हिम। हमारा टाइम नए सिरे से शुरू करवा दे प्लीज। तो वो टाइम दिया, सब खत्म कर दिया करें सर। तो मैं ये कह रहा था कि सर, IAS में सेलेक्ट होके आ जाता है, सेक्रेटरी उससे कहता है, मान लो डायरेक्टर होके आया, सेक्रेटरी कहता है कि एक लेटर जाना है, उसे उसका ड्राफ्ट बना के ले आओ, उसमें 20 बार करेक्शन सेक्रेटरी को करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हो गया सब मामला, कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ज़्यादा डिटेल में पढ़ें, किसी को जाएं उसमें। मान लीजिए एक सवाल पूछा जाता है कि पंडित नेहरू, अटल जी या मोदी, सवाल पूछा जाएगा इनमें कौन सा बेहतर, वो कह देंगे ABC लिख दीजिए। अब उसमें रीजनिंग तो होनी चाहिए, वो रीजनिंग दी ही नहीं जाती है, न पढ़ाई जाती है, न पढ़ता है, न जाने की कोशिश करता है। इसलिए मेरी सरकार से अनुरोध है आपके माध्यम से कि इस पद्धति को बदलें और पुरानी पद्धति को लाएं, जिसने डॉक्टर राधाकृष्णन, HJ भाभा, प्रोफेसर मेघनाथ शाह जैसे विद्वान टीचर साइंटिस्ट दिए इस देश को। अब कोई हो रहा है पैदा, कोई हो रहा है, तो क्यों लांछन लगा रहे पुरानी व्यवस्था पर? उसको लाइए, इसको हटाइए, जिससे कुछ विद्वान फिर देश में पैदा हो सके। धन्यवाद।